शांत हो वह स्वीकार्य है। जिससे हमारे मन का वेग शांत हो ऐसी संगति हमें स्वीकार्य है। ऐसा वातावरण जो हमें दूर दूर जगहों पर ले जाए, अन्यत्र स्थानों पर ले जाए, हमारे इस शरीर का सदुपयोग हो महान कार्यों के लिए, कर्मेंद्रियों का सही सदुपयोग हो, वातावरण में हम जाएं जहां पर जाने मात्र से हमें शांति का अनुभव हो। मशीन लगेगा जो हमारे का सबसे बड़ा जो यंत्र है, जो हवाई जहाज बनाता है, जो चंद्रमा पर यान को खड़ा कर देता है, वहां से अन्वेषण कर लेता है, उसके लिए कोई ब्रांड मैनुअल है? कोई नहीं। कोई ब्रांड मैनुअल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? हाँ या ना? इसीलिए हम भिन्न है 84 लाख यूनियों से, क्योंकि हमारे पास एक शक्ति है, शक्ति क्या है? वह शक्ति है स्वतंत्रता की, अ फ्री विल टू डू व्हाट एवर यू वांट टू डू। यह बहुत बड़ा एसेट है। और एक बात और, सबसे बड़ा दुर्भाग्य, इसीलिए आप सभी सौभाग्यशाली। तो हमें किस रूप में क्या प्रयोग करना है और कितना करना है, क्या हमारे लिए सही है? अभी तो केवल गलत है सही है इसमें दिमाग लगा रहता है। अगर गलत होता तो भगवान श्री कृष्ण कहते गांडी उठाओ मारो। हम उस धर्म से आते हैं, हमें 5000 पूर्व एक सारथी उपदेश करता है, लड़ाई हो रही है, यहां पर कोई मोरालिटी है क्या? कोई वैल्यूज की बात की जा रही है? और हम अपने ये अच्छा है ये बुरा है ये नहीं करना चाहिए, मोरल पुलिसिंग क्या कुछ? आपके अंदर एक अद्भुत यंत्र छिपा है,
जब तक वह यज्ञ नहीं होता और जिस रूप में आप जिसकी पूजा भी कर रहे हैं उस यंत्र को जगाने के लिए किसने जगा दिया तो पूजनीय हो गया।